हेलो गाइस, वेलकम टू आर आर ऑनलाइन मैथ सब। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और वाई बराबर एक्स और कॉमा एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 3। ये जो एक्स बराबर 3 है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है। तो यहां पे देखते हैं जो वाई बराबर हमारे पास दे रखा है, देखिए यहां पे कर्व जो दे रखा है वाई बराबर कितना है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है। लेकिन ये कर्व किस फॉर्म में दे रखा है, पैराबोला के फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में, पैराबोला। और हमने आपको बताया था ये अगर प्लस का पार्ट इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 हो जाएगा, जब ये प्लस का है तो इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो ये हमें यहाँ पे करना नहीं है, मेन पॉइंट पकड़ के यहाँ पे रखना है हमें कौन सा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो लिखा है, यहाँ पे मेन पॉइंट हमको पकड़ के रखना है यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे रखा है हमारे पास वाई बराबर कितना दे रखा है, बोलो एक एक्स दे रखा है, वाई बराबर कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है और कॉमा एक्स बराबर 0 और वाई बराबर एक्स बराबर एक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये क्या है, इसकी एक्स बराबर 3 इसकी लाइन है। बात समझ में यहाँ पे। तो देखिए ये जो कंडीशन दे रखा है, प्लस इधर माइनस में आ जाएगा तो वाई माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2 आ जाएगा। तो ये क्या अपवर्ड पैराबोला नहीं बन रहा है, कौन सा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला। और हमने आपको बताया था कि अपवर्ड पैराबोला बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए एक्सिस हम बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, क्या है बोलो, ये एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। देखिए अभी क्वेश्चन कितना इजी होता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, अपने आप बन जाएगा डायग्राम, हमें कुछ यहाँ करना नहीं पड़ेगा। कुल मिला के जैसा जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स बराबर 3 दे रखा है, ये देखिए एक्स मान दे रखा है एक्स बराबर 3, मतलब एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, ये क्या होता है, 0, 0 होता है कि नहीं, ओरिजिन, बोलो ओरिजिन क्या होता है इसका, 0, 0, बोलो इसका मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 तक गई, देखिए लाइन कितनी 1, 2, 3 तक गई, बात समझ में। यहाँ पे अब क्या करिए, देखिए जो हमारे पास y बराबर x दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, बोलो x दे रखा है। तो जब y बराबर x दे रखा है, अगर x का मान यहाँ पे रखें, देखिए x का मान यहाँ पे पुट करें तो y बराबर क्या 3 नहीं निकल के आएगा, बोलो y बराबर कितना निकले, 3, x बराबर यहाँ पे रख दें 3 तो y बराबर 3 निकल आएगा। तो y भी देखिए यहाँ पे लगभग जाएगा इस टाइप में, यहाँ पर भी y बराबर 3 जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3 ऐसे तो जाएगा, बोलो पॉजिटिव साइड पे है ना, तो 1, 2, 3 गया यहाँ पे, बोलो y भी हमारे पास कितना गया, 3 गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग आप लगाएं, जो x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहाँ से देखिए 0 से जाएगा, लाइन तो 0 है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है, तो x बराबर 0 दे रखा है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसके एक्स वाई एक्सिस पे है, देखिए वाई एक्सिस पे है कितना जा रहा है, बोलो यहाँ पे मेन पॉइंट दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताएं, अगर x बराबर यहाँ पे 0 पुट कर दें, देखिए अगर x बराबर यहाँ 0 पुट कर दें तो पुट करिए y बराबर x का वैल्यू 0 पुट करोगे प्लस 2, तो क्या y बराबर यहाँ पे 2 नहीं निकलेगा, बोलो y बराबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल आएगा। देखो ये 0 हो गया, y बराबर कितना आ गया, 2। अब जब y बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 3 दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है और यहाँ पे x बराबर क्या है, 0, देखो तो 0 से 2, देखिए यहाँ पे 2 जा रहा है y एक्सिस पे है ना, ये देखिए y बराबर 2 है, एक देखिए यहाँ पे 2 जा रहा है ये। तो अब जो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का डायग्राम कहाँ से होकर जाएगा, 2 से होकर जाएगा। देखिए यहीं पर दिमाग पकड़ लिया हमने क्वेश्चन को, तो ये क्या किया, 2 से होकर गया पैराबोला का ये डायग्राम, बात समझ भाई। 1, 2 वाई एक्सिस पे दे रखा है ना, 2 पर गया यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, जो 2 पे गया है तो ये जो इसके पॉइंट निकले हैं ये कितना है,
0.2, इसके पॉइंट कितने बोलो, 0.2 निकल के आया। और यहाँ पे कितना है, 3 तक है ना, तो मान लिया है इसके साथ सीधे ऐसे तो जाएगा 3 तक, है ना, ये 3, तो x कितना दे रखा है बोलो, 3, x कितना दे रखा है, 3। लेकिन अभी y हमें नहीं पता है यहाँ पे इसका, तो y क्या करेंगे, इसका x बराबर 3 इसमें रखिए, तो y बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या ये y बराबर 9 प्लस 2, क्या y बराबर ये 11 नहीं आ गया बोलो, देखो मिल गया यहाँ पे y बराबर में कितना मिल गया, 11, क्यों, x बराबर 3 यहाँ पे रखा तो y 11 मिल गया, तो x 3 था यहाँ पे, y कितना है 11, तो x कॉमा y इसका भी पॉइंट निकल के आ गया बोलो। और ये जो लाइन दे रखा था y बराबर x, एक चीज देखिए, लाइन दे रखा था y बराबर x, तो y बराबर कितना हमने निकाला, 3, तो ये लाइन कहाँ से होकर जाएगी, जब y बराबर x दे रखा है तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। अगर यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर दिया, देखिए x बराबर 0 पुट करोगे तो y बराबर 0 आएगा, तो x कॉमा y, यहाँ पे देखिए x बराबर भी 0 जब आप पुट करोगे तो y बराबर भी तो 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो x कॉमा y 0.0 ऑलरेडी यहाँ पे है, चाहे निकाल लीजिए चाहे से, तो ये लाइन जो है कहाँ से होकर जा रही है, इधर देखिए ऐसे होकर जाएगी कि नहीं बोलो, ये बात समझ में, इसको ऐसे में लिखने कोई दिक्कत है बोलो, लाइन सीधी है, ठीक है, डायग्राम देखिएगा, बेंच डायग्राम आप समझिएगा, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ पे गया था तो क्या, देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लाइन डाल सकते हैं 3 पे, देखिए यहाँ पे 3 पर जाएगी है, कितना डाल दिया हमने 3, क्योंकि 3.11 है, बात समझ में। अब देखिए ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला शेडेड रीजन देखिए, इसका इसी का क्या करना है हमें, एरिया निकाल देना है, और कैसे नहीं, ये 0.2 लिखा है याद रखिएगा, ठीक, चाहे इसको साइड में लिख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 0.2 लिख लीजिए, ये क्या है, इसको इसका शेडेड रीजन हो गया कि नहीं बोलो, ये इतनी बात क्लियर है आपको, बात समझ में। और लाइन क्या है, x बराबर 3 के लिए, ये x बराबर क्या है 3, ये x बराबर 3, देखिए 3 हमने यहाँ पे कर दिया है, या ऐसे लिख दीजिए x बराबर यहाँ पे 3, ये जो कर्व दे रखा है, कर्व किसके हैं, y स्क्वायर बराबर, सॉरी y बराबर x प्लस 2 के लिए कर्व दे रखा है, y बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 के लिए कर्व है, ये बोलो y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, यही तो दे रखा है, क्योंकि अपर पहला बोरा बनेगा, क्योंकि प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, कंडीशन आपको बताई जा चुकी है, इतनी बात क्लियर है बोलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, y एक्सिस पे गया ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप बताएं, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो हमें एरिया निकालना है, अब यहाँ पे क्या हम पॉइंट मान लें इसका, देखो ये मान लिया A, ये इसका क्या है O, देखिए ये O है, यहाँ पे लिख लिया A O मान लिया, यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला जो है इसको C बोलो, यहाँ पे ये जो है इसका D, और यहाँ पे इसको B कर लें बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आता है, जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लिखो, देखो ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, यही तो हमारे पास है, तो लिखिए ओ ए बी डी ओ, ये देखिए ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ ए बी और यहाँ पे डी ओ आ गया, माइनस क्या करेंगे, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया कौन सा, ओ ओ सी डी ओ, क्या करेंगे, ओ सी डी ओ, इस वाले एरिया को निकालेंगे, क्योंकि शेडेड रीजन इसी का तो निकालना है हमें, तो ये वाला माइनस होगा कि नहीं बोलो इस वाले में से, तो यहाँ पे ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ इसका निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, किस एक्सिस पे है ये डायग्राम देखिए, किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जा रहा है ना, जब वाई एक्सिस पे जाता है तो हमने आपको बताया क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, लिमिट कौन सी लेंगे, पहले देखिए लिमिट कितनी लेगी, 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, 0 से लेकर 3, एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 एक्स एक्सिस पे जा रहा है, देखिए और 0 से लेकर 3 यहाँ पर भी 0 से लेकर 3, ये देखिए अगर यहाँ पर भी करें तो एक्स क्या है 0 है, 0 से 3 यहाँ पर भी जा रहा है, 0 से 3, 0 से 3 है ना, तो दोनों के लिए लिमिट हम क्या करें, इक्वल कर लेंगे, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि बीच में आ रहा है ना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, तो अंडर, तो एरिया जो अंडर है y बराबर x के, तो बिटवीन किसके, ये भी x बराबर 0 और 3 के, देखिए ये भी 0 और 3 के बीच में, ये भी 0 3, तो यहाँ पे जो निकल आएगा पहले ओ ए बी डी ओ के लिए लिमिट 0 से 3, बोलो लिमिट कितनी है 0 से 3, यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे कौन सा रखते हैं, वाई डी एक्स रख दिया, माइनस यहाँ पे 0 से 3, यहाँ पे y1 कर लीजिए आप, इसको इसको कर लीजिए y2 dx हो गया, देखो
अब क्या करें, जो इक्वेशन दे रखा है जल्दी से यहाँ पे पुट करें। इसको हम कर लेते हैं, ये जो दे रखा है इसको हम y1 कर लें, y1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको y1 मान लिया, बोलो कोई दिक्कत। और ये जो लाइन दे रखा था, लाइन कितना है y बराबर x, तो इसको हम बराबर मान लेते हैं y2 बराबर x, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो रखिए जा करके y1 रखिए, 0 से 3 इंटीग्रेशन, y1 का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि हम निकालेंगे एरिया तो माइनस ही तो लगाएंगे, माइनस है 0 से 3, 0 से 3 इसका जो एरिया लाइन का दे रखा है, लाइन कितना है एक्स बराबर 3, तो यहाँ पे 3 रखो, y2 का मान कितना है एक्स, यहाँ पे डी एक्स, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखिए हम इंटीग्रेशन इसका करा देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन में 3, इसका 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो x 1 का हो जाएगा x, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कैसे आएगा x, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, जब इंटीग्रेशन कराओगे ये क्या हो जाएगा 1 का x, तो 0 से लेकर 3 लिमिट, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट माइनस 3, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x पावर n प्लस 1 पावर यहाँ पे 1 है, तो x पावर n प्लस 1, देखिए फॉर्मूला लगता है ना इंटीग्रेशन की पावर n dx, तो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट कितना है 0 से लेकर 3, इसके लिए भी लिमिट क्या है सेम है, बोलो। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 3, अपर लिमिट अप्लाई किया माइनस, लोअर लिमिट 0 करोगे तो टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का। अपर लिमिट 3 का स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 कोई मतलब नहीं, 0 ही आ जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे कितनी, 2 बार बचेगा, तो 3 की पावर 2, बोलो, और यहाँ पे 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 3 की पावर 2 9 बटे में कितना 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0, बटे में कितना है 2, तो 0 हो जाएगा। ये 9 प्लस 6 माइनस 9 बाई कितना है बोलो 2 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई, आगे सॉल्व करिए, और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 बट माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 2, अब 15 दुना कितना हो जाएगा 30, 30 में से 9 चला जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा बोलो 2, ये क्या है स्क्वायर यूनिट, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 बटे 2। नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, देखिए जो भी आपको भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप उसको व्हाट्सअप करिएगा, अभी लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, जो भी स्टेप ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, सर ये को स्टेप हमें समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द ट्राइंगल, क्या कहा, एक ऐसा रीजन हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड करना है बाउंडेड रीजन का, जो किस फॉर्म में हो ट्राइंगल के फॉर्म में हो, और हुज वर्टाइसेस आर, जिसके शीर्ष क्या हो, देखिए वर्टाइसेस दे रखे हैं इसके, ध्यान से देखिए वर्टाइसेस जो दे रखे हैं इसके, वर्टाइसेस दे रखे हैं -1,0 एंड 1,3 एंड यहाँ पे क्या दे रखा है 3,2 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, कह रहा है हुज वर्टाइसेस -1,0, 1,3 एंड 3,2, ये इसके वर्टाइसेस दे रखे हैं, और किस फॉर्म में निकल के आएगा बाउंडेड एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल के अंदर निकालना है, तो अभी तो हमें नहीं पता है कि डायग्राम कैसा होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं जहां चाह होती है वहीं पे क्या होती है राह होती है। तो ये एक्सिस बना लो, एक्सिस का तो सभी में काम है, एक्स और एक्स डैश, यहाँ पे वाई और ये वाई डैश, ये क्या एक्स की पॉजिटिव साइड, एक्स की निगेटिव साइड, एक्स की पॉजिटिव साइड, ये एक्स की, ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0,0 होता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है ट्राइंगल के फॉर्म में, तो देखिए ट्राइंगल पहले कितना जा रहा है -1 जा रहा, तो देखिए -1 सपोज दैट यहीं तक तो जाएगा, ले लिया -1 फिर -2 ऐसे लिखोगे, लेकिन जरूरत किसकी है -1 की, तो ये -1 ले लिया, एक जा रहा प्लस पे एक्स, यहाँ पे देखिए 1 जा रहा है, यहाँ पे 1 जा रहा है, फिर कितना जा रहा है 3 तक जा रहा है, यहाँ पे 2 लिखो तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, बोलो 3 तक गया, फिर यहाँ पे 2 y तक जा रहा है 2, तो यहाँ पे 2, देखिए कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 2, कितना ले लिया 2, 1 2, अब देखिए डायग्राम मिलाइए जा करके, तो इसको यहाँ पे मिलाया, मिल गया ना, ध्यान से देखिएगा क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए
मिल गया है हमारे पास 2, और यहाँ पे और वाई के साथ कितना दे रखा है, वाई 3 दे रखा है, वाई कितना दे रखा है 3 पे भी दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे जाएगा तो ट्राइंगल बन रहा है, इधर देखें यहाँ पे ध्यान से 3 जा रहा है तो इसके सामने है, तो ये हमने इसके सामने ले लिया ऐसे, बोलो। अब यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे मिला लिया, तो देखिए एक ट्राइंगल बन गया, ये कितना है 1.3 का और ये कितना है 3.2 का, बोलो 3.2। देखो x पे क्या है 3, y पे 2, यहाँ पे 1.3, 1 देखिए कितना है, यहाँ पे सपोज ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा ठीक है, B पे जो है ये B पॉइंट, ये मान लेते हैं 1 यहाँ पे जा रहा है, देखिए डायग्राम आप बनाइएगा, ये देखिए 1 पे जा रहा है ऐसे, ध्यान से हम बना दे रहे हैं, आप बनाइएगा डायग्राम तब देखिए 1 पे जा रहा है, किस पे, जब सीधा बनाएंगे तो 1 पे जा रहा है, 1 देखिए x, y कितना है 3, सपोज दैट 3 यहाँ जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा 1, ये 1 फिर 2 और यहाँ पे 3 जा रहा है, ठीक, इसको हम काट दे रहे हैं। देखिए मेरी आर्ट थोड़ा ख़राब है लेकिन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, इतना गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। देखिए गया ना 1.3, बन गया ट्राइंगल 3.2, अब क्या करें, इसको पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, बोलो, इसको मान लेते हैं बी, और इसको क्या कर लेते हैं सी, तो ए बी सी 3 पॉइंट मान लिया, तो ए कितना दे रखा है बोलो, अब ए वाले भी तो रखना है, -1.0, इसका कितना है 1.0 दे रखा है, बोलो 1.0, ये जो लिखा है 1.0 लिखा है। अब इनको हम क्या कर लें, देखिए यहाँ पे तो पहले ए बी निकालते हैं, जो इसी का शेडेड रीजन निकालना है, देखिए यहाँ पे इसी का शेडेड रीजन हमें बताना है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, इसका शेडेड रीजन बताना है, तो क्या करें, पहले ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे ए से लेकर बी तक, जब ए बी तक आप निकालोगे क्या निकालोगे, ए बी इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, किसकी, ए बी की, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सॉल्यूशन में लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जब ए बी का निकालेंगे तो ये देखिए x1, y1, x2, y2 हो गए कि नहीं, ये x1, y1, ये x2, y2, तो ए लाइन के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़े हैं, y-y1 बराबर यहाँ पे y2-y1, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, अपॉन में x2-x1 ब्रैकेट में x-x1, बोलो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन का पढ़ा है ना, तो रखिए जा करके, ये हमारे पास x1, y1 है, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखे हैं -1.0 और यहाँ पे 1.3, ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y2, हो गया, रखो जा करके y-y1 कितना दे रखा है बोलो, y1 दे रखा है 0, y2-y1 कितना है 0, अपॉन में x2-x1, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, x2-x1 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में x-1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये चीज़ अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो y बराबर निकालो यहाँ पे, तो जो y बराबर निकाला 3/2 एक्स प्लस कितना है 1, 3/2 एक्स प्लस 1, ये निकला है कि नहीं बोलो, पहला निकल के आया वाई बराबर 3/2 ब्रेकेट में एक्स प्लस 1, ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं बोलो, पहले क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए ये निकाल लिया हमने, दूसरा निकालते हैं, ए बी निकाला, अब बी सी निकालो, कितना निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, यहाँ पे लिखो, अब बी सी निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, जब बी सी निकालेंगे तो y-y1 फार्मूला लगे, अब ये इसको करेंगे x1, y1, x2, y2, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट चलें, बोलो y2-y1, देखिए y-y1 की जगह पे कितना रखेंगे बोलो, y1 की जगह पे रखेंगे 3, रखेंगे कि नहीं बोलो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं y2-y1, यहाँ पे 2-3, y2-y1 है कितना हो जाएगा 2-3, अपॉन में x2-x1, x2 कितना है 3, x1 कितना है 1, ब्रैकेट में x-x1, x1 की जगह पे कितना है बोलो 1, ये x1, y1, x2, y2 हैं, देखा नहीं बात समझ में आ रही है, लिख दें क्या, लिखने की कोई जरूरत है नहीं हमारे हिसाब से, y-3 सॉल्व करो, माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x-1, यही तो निकलेगा कि नहीं बोलो, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये माइनस का 3 उधर आ जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर 3-1/2 ब्रैकेट में x-1, माइनस से इधर गया प्लस में, देखिए 3-1/2 लिखा है, ये 3-1/2 लिखा है, 3, 3, 6 घटाएंगे कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा यहाँ पे, ध्यान से बताइए कितना बचेगा यहाँ पे, कितना निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एक सेकंड,
अच्छा हाँ ठीक है, सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 6, यहाँ पे 5/2 आ गया। बोलो, ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आ गया, ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आ गया। क्या कहीं मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, देखिए कहीं पे दिक्कत है नहीं ना, हो तो जल्दी से बताइए आप। यहाँ पे सॉरी, इसको क्या सॉल्व कर सकते थे आगे, यहाँ पे माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, ये सॉरी प्लस का, माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये पूरे में लिखा है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा कट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए पूरे में लिखा था, लिखने में थोड़ा नज़रिया कमज़ोर हो गया देखने में। इधर देखिए, माइनस का 1/2 ब्रेकेट में एक्स माइनस वन, ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ये देखने में थोड़ा दिक्कत आ गया। अब सॉल्व करिए इसको, देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए। तो यहाँ पे हो गया वाई माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/2 प्लस 3 हो गया। तो वाई बराबर सॉल्व करो, माइनस का एक्स बाई टू, 3 × 6 एक कितना आ जाएगा, 7/2। तो देखिए वाई बराबर जो बी सी के लिए लाइन निकल आई, कितनी निकली हमारे पास, एक्स माइनस टू, माइनस एक्स अपॉन टू प्लस 7/2। तो ये निकल आई बी सी। अब निकालते हैं सी ए के लिए, कितना निकालते हैं सी ए के लिए निकालते हैं। तो इधर ही देखते हैं, इधर ही साइड में निकल आएगा कितना, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए निकालते हैं। क्या निकाला, ए बी बी सी सी ए। अब देखें यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। सी ए मतलब ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कितना रखेंगे, बोलो 3,2 और यहाँ पे -1,0। अब ये एक्स वन कॉमा वाई वन हो मान लेते हैं, इसको इसको मान लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 2, वाई टू माइनस वाई वन 0, वाई वन कितना है -2, बटे में एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन, एक्स वन कितना है -3, -3 हो जाएगा ना क्योंकि माइनस होता है, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, माइनस एक्स वन कितना है 3, माइनस का यहाँ पे 3 किया। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया वाई माइनस टू, माइनस का 2 अपॉन में कितना है 4, 2 अपॉन में माइनस का 4 आएगा, 2 अपॉन में माइनस का 4, ब्रेकेट में एक्स माइनस 3। इसको यहाँ पे कर लें, देखिए माइनस माइनस कैंसिल तो कितना बार जाएगा, 2 बार। तो y माइनस टू बराबर 1/2 ब्रेकेट में x माइनस 3 निकल के आएगा कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 2 है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x बाई टू, माइनस का 3/2 और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया 2 × 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, बोलो 2 × 4, 4 में से 3 चला गया 1/2, मतलब x बटे 2 प्लस यहाँ पे 1/2 निकल के आएगा, x बटे 2 प्लस का है। देखो 2 × 4, 4 में से -3 चला गया, प्लस का ही तो 1 बचेगा, 1/2 बचेगा। तो ये निकल आया कौन, तीसरा वाला पार्ट निकल आया, ए बी बी सी सी ए। अब क्या करेंगे, हमें जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया किसका, ए बी सी का। देखिए रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी का, ए बी सी का जो रिक्वायर्ड एरिया है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ए बी सी माना था, अब क्या करें इसको, तो देखिए ये जो लाइन ऐसे डाला था डेड डैश, यहाँ पे इसको एम मान लेते हैं, क्या माना इसको एम, और यहाँ पर भी जो लाइन डालेंगे डेड डैश, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम एन मान लेते हैं। बोलो, क्योंकि यही वाला एरिया तो हमें माइनस करना है। देखिए ये तो पूरा निकालना है एरिया इसका, जब माइनस करोगे तो इस वाला देखिए जो ये ऐसे गया यहाँ पर एरिया, बोलो ये ऐसे एरिया गया है कि नहीं, यहाँ पर जा रहा है कि नहीं, तो किस कौन सा एरिया निकल आएगा हमारे पास, ए एन सी का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला ए एन सी माइनस करना पड़ेगा किस वाले, इस वाले टोटल एरिया में से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे लिखो, देखते हैं एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो फाइंड आउट करना है कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, निकालना है रिक्वायर्ड एरिया जो हमें ट्राइंगल का, यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लिख लेंगे ये ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए बी सी टोटल निकालना है ए बी सी का। तो ए बी सी का निकालोगे तो पहले एरिया किसका हमें बताना है, एरिया बताना है ए एम बी का। इधर देखिए ए एम बी, देखिए एक ये एरिया बन रहा है ए एम बी, ए एम बी निकालो यहाँ पे एरिया ए एम बी, एरिया एक सेकेंड ए एम बी, एरिया ए एम बी हो गया, बात समझ में। यहाँ पे अब कौन सा एरिया हो जाएगा, ए एम बी हो गया। अब यहाँ पे बी एम, देखो यहाँ पे ध्यान से इतना बी एम एन सी, ये देखिए सी है बी एम एन सी, अब ये एरिया बी एम एन सी लिखो यहाँ पे, प्लस एरिया
एरिया बी बी एम एन सी बी एम एन सी माइनस करेंगे कौन सा एरिया। अब माइनस क्यों करेंगे, ए एन सी, इधर देखिए ए एन सी, ये वाला टोटल ए एन सी, देखिए सेडेड तो था नहीं ये वाला, इसी को माइनस करना है क्योंकि ये सेडेड है पूरा, देखिए ध्यान से इस सेडेड, ये वाला विदाउट सेडेड है, तो इसको जब माइंड करें निकालेंगे बाहर तो माइनस ही तो आएगा। तो यहाँ पे एरिया जो निकालेंगे क्या निकलेगा बोलो, एरिया देखिए राइटिंग थोड़ा मेरी दिक्कत है, आप लोग समझें, एरिया कितना है ए एन सी, ये वाला सिंपल पार्ट निकालना है ए एन सी, तो माइनस ही तो करोगे ए एन सी, माइनस क्यों किया समझ में आया, ए एन सी। अब चलिए जल्दी से हम कर देते हैं एरिया, तो यहाँ पे निकालेंगे ए फॉर्म, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहला कितना है ए एम बी का एरिया, ए एम बी का एरिया कितना है, देखो लिमिट जो जा रही है कितनी जा रही है, लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है पहले, देखिए लिमिट जा रही है माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक, देखिए माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक जा रही है, देखिए माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक जा रही है, क्योंकि पहले इसका निकालना है ना, माइनस वन से लेकर प्लस वन, देखिए यहाँ पे वन ही तो है, इस वन पे आया था, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट माइनस वन से प्लस वन किस वाले के लिए होगा बोलो, ये पहला वाला होगा हमारे पास, कौन सा, ये वाला पहला वाला थ्री बाई टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे लिखो थ्री बाई टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे डी एक्स, दूसरा निकालो, दिख गया आप यहाँ पे लिमिट, अब यहाँ पे देखो वन से लेकर माइनस वन, फिर वन सॉरी माइनस वन से लेकर वन, और वन से लेकर थ्री जाओगे, देखिए थ्री जा रहे हैं यहाँ पे, वन से लेकर थ्री जाओ, अब लोअर लिमिट वन थ्री अपर लिमिट हो गया, कौन सा दूसरा इक्वेशन कौन सा है बोलो, माइनस एक्स बाई टू कहीं निकाला था दूसरा वाला, ये देखिए माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू निकाला था, तो यहाँ पे लिखिए माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू और ये डी एक्स माइनस, अब क्यों लिया माइनस, क्योंकि ये वाला पार्ट देखिए सिंपल था ना, इसको माइनस करना है, अब लिमिट कितना जाएगी, अब देखिए यहाँ पे गया था, अब माइनस वन से लेकर के ये नहीं जाएगा, देखो माइनस वन से लेकर के थ्री तक तो जा रहा है, माइनस वन से लेकर के थ्री तक, देखिए यहाँ पे आप थ्री रखेंगे क्योंकि एक्स पे जा रहा है ना, माइनस वन से लेकर थ्री तक, तो यहाँ पे माइनस वन से लेकर के थ्री लोअर लिमिट, और इसके लिए क्या दे रखा था बोलो, एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू, इसका काम खत्म, तो यहाँ पे हमने क्या रखा बोलो, एक्स बाई टू प्लस का वन बाई टू, ब्रेकेट बंद किया और ये डी एक्स डायरेक्ट लग दिया, कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मूले में बोलो, वाई डी एक्स होता है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने पे हमारे पास ये चीज़ें कैसे निकल के आती, देखिए थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लेंगे, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं ना, तो थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर है, जब इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और वन का क्या हो जाता है एक्स, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लगा दिया, पहले वाले पार्ट का हो गया इंटीग्रेशन, दूसरे में आ जाओ प्लस, देखिए यहाँ पे वन बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ही रहेगा, तो माइनस का वन बाई टू या वन बाई टू ऐसे रखें यहाँ पे, देखिए वन बाई टू माइनस का बाहर ले लेते हैं, वन बाई टू बाहर ले लिया, यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास कितना है बोलो, या इसको हम डायरेक्ट कर दें कोई दिक्कत, देखो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर हो जाएगा, बोलो इतनी बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि एक्स पावर एन बाई, और नीचे दो दुना कितना हो जाएगा चार, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई टू और टू ऑलरेडी पहले से दे रखा है, प्लस यहाँ पे सेवन बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ वन से लेकर थ्री लिमिट हमारे पास गई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले, माइनस यहाँ पे निकाल, इसका भी सेम कर देते हैं, एक्स की एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा फोर, क्योंकि एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो एक्स की पावर वन यहाँ पे वन है, दो बटे दो तो चार हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, वन का क्या हो जाएगा एक्स, माइनस वन से लेकर थ्री लोअर लिमिट टू लेकर अपर लिमिट तक। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, जल्दी से लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट पहले वन अप्लाई करो, जब थ्री बाई टू दे रखा है इसके लिए लिमिट वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो वन बाई टू प्लस वन, बोलो ब्रैकेट बंद किया, माइनस इसके लिए माइनस वन, वन बाई टू ही होगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस का वन हो जाएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई किया फिर लोअर लिमिट, इतनी बात समझ में आई, अब फिर ध्यान से देखिएगा, प्लस अपर लिमिट अप्लाई करो, तीन तरह के नौ बटे कितना हो जाएगा चार, माइनस का नौ बटे चार, और प्लस यहाँ पे सात त्रिक इक्कीस, इक्कीस बटे कितना हो जाएगा दो, देखिए ध्यान से सात एक्स का मान रखेंगे सात त्रिक, और अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट करिए माइनस वन रखो, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही मतलब वन बाई फोर, और यहाँ पे वन, यहाँ पे सेवन बाई टू आ जाएगा, बोलो पहला हो गया क्लियर, माइनस इसके लिए सॉल्व करो, तीन तरह के नौ बटे कितना हो जाएगा चार, नौ बटे चार, देखिए अपर लिमिट किया, प्लस यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करो, माइनस सॉरी पहले लोअर अपर लिमिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा
तीन बटे दो, क्योंकि एक्स का मान तीन बटे दो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाओ, माइनस वन का स्क्वायर बनी रहेगा तो वन बाई कितना हो जाएगा फोर। देखिए माइनस वन का स्क्वायर वन बाई फोर, सॉरी प्लस का वन बाई फोर, क्योंकि माइनस का वन जब स्क्वायर करेंगे प्लस वन बाई, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स का मान जब यहाँ पे रखोगे माइनस वन लोअर लिमिट तो माइनस का वन बाई टू आ जाएगा। बोलो इतना कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, थ्री बाई टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्व करना, थ्री बाई टू सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या निकल गया। देखिए टू वनजा टू, टू वनजा टू, या एक काम करें वन बाई टू प्लस का वन माइनस का वन बाई टू माइनस माइनस प्लस का वन, पहला हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना मिल जाएगा चार, तो एलसीएम ले लिया चार, तो नाइन माइनस इक्कीस दुना कितना हो जाएगा बयालीस, बोलो जाएगा ना, चार एलसीएम दो दुना इक्कीस दुना बयालीस, ठीक। माइनस यहाँ पे आ जाओ, सॉरी माइनस इसी ब्रैकेट में चल रहे हैं, देखिएगा इसको हम ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगाएं। कितना एलसीएम चार, तो चार जब एलसीएम ले लेंगे फोर वन जब फोर, यहाँ पे सात दुनी चौदह, बटे में कितना आ जाएगा चार एलसीएम आ गया। यहाँ पे सॉल्व करो इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम चार तो नौ प्लस छः, बटे में कितना एलसीएम चार आ गया, बोलो इतना तो आप जानते हैं सॉल्व करना, चार एलसीएम आ गया, फोर वन ज़ा फोर, यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, तो ये निकल आया वन माइनस फोर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम सॉल्व करें, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल आया थ्री बाई टू, देखिए माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कैंसिल आउट हो गया, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक और एक कितना हो जाएगा दो, तो यहाँ पे दो रखा, पहला ब्रैकेट सॉल्व, दूसरे में आ जाओ, उन्नीस में से सॉरी बयालीस में से कितना जाएगा नौ, तो बयालीस में से नौ चला जाएगा तैंतीस बटे चार, बचेगा कि नहीं बोलो, बयालीस में से नौ तैंतीस बटे चार प्लस का बचेगा ना, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, चौदह में से एक चला गया चौदह में से माइनस का वन गया तो कितना बचा बोलो तेरह बटे चार, प्लस का आएगा तेरह बटे चार माइनस ये वाला लगा है, ये ब्रैकेट हो गया, बोलो माइनस, इसको सॉल्व करो, ये वाला था ब्रैकेट सॉरी, ये वाला पूरा ब्रैकेट है ना, ये वाला, हाँ ये वाला ब्रैकेट हो गया, इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, सोलह चार नौ छः पंद्रह, पंद्रह बटे कितना है चार, पंद्रह बटे चार माइनस एक बटे दो निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक बटे चार हो जाएगा, सॉरी प्लस एक बटे चार हो जाएगा, कर लिया हमने। अब इसको भी सॉल्व करो, दो से दो कैंसिल तीन आ गया यहाँ, ठीक, तैंतीस एलसीएम चार आ गया, तैंतीस में से तेरह घटाओगे तो बीस बटे चार आ जाएगा, बोलो माइनस यहाँ पे एलसीएम चार तो सोलह बटे चार आ जाएगा, बोलो एलसीएम चार पंद्रह एक सोलह हो जाएगा, चार पंचे चार चौके सोलह, यहाँ पे कितना निकल आएगा ध्यान से देखिएगा, पाँच तीन कितना हो जाएगा तीन प्लस पाँच माइनस का चार, बोलो पाँच तीन कितना हो जाता है आठ, पाँच तीन आठ माइनस चार बराबर कितना निकल आया बोलो चार निकल आया, बराबर कितना निकल आया फोर, और यही क्या आ जाएगा फोर, एरिया का मात्रक क्या होता है स्क्वायर यूनिट, क्या निकल आया फोर स्क्वायर यूनिट, कितना निकल आया चार स्क्वायर यूनिट, इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, तो समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ थम्स अप करिए एक बार जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, आप भी बुक लेकर बैठे हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, देखिए फिर कह दिया ट्रायंगुलर रीजन, हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस वाई बराबर टू एक्स प्लस वन, क्या दे रखा है इक्वेशन, अब आपको इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन दे रखा है y बराबर 2x प्लस वन, देखिए इक्वेशन दे रखा है y बराबर 2x प्लस वन, और दे रखा है y बराबर, और भी दे रखा है कितना, और दे रखा है इक्वेशन में y बराबर 3x प्लस वन, और आपको दे रखा है x बराबर चार, जो x बराबर ये चार हमारे पास है, देखिए x बराबर जो चार हमारे पास दे रखा है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो हम जानते हैं कुछ नहीं है एक्सिस बना लेते हैं, ये क्या किया हमने एक्सिस, ये एक्स की पॉजिटिव साइड, एक्स की नेगेटिव साइड, वाई की पॉजिटिव साइड, वाई की नेगेटिव साइड, इतना तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से है ना। अब क्या करेंगे, जो एक्स बराबर चार दे रखा है तुरंत चार ले जाओ, एक्स बराबर चार दे रखा है ना,
तो x बराबर चार, एक देखिए जीरो से होता है, एक दो तीन चार तक गया, एक दो तीन चार तक गया, ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई आपको, एक दो तीन चार तक गया, ये क्लियर है यहाँ पे, एक दो तीन चार तक गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम डायग्राम ट्रायंगल मतलब कैसे खींचते हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर जो बना ट्रायंगल बनाना है वो कैसे बनाना है। एक चीज़ आप ध्यान से बताएं, यहाँ पे क्या आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे अगर x बराबर यहाँ पे हम चार रख दें, x बराबर चार रख दें, किस वाले में, y में, देखिए यहाँ पे ये y बराबर तीन x का मान इसमें रखो चार और प्लस वन, तो क्या ये y बराबर चार दुनी सॉरी चार तीन बारह एक तेरह नहीं निकला है, बोलो y बराबर कितना निकला है, तेरह, कौन सा, जब x बराबर हमने इसमें रखा थ्री एक्स प्लस वन में, तो चार तीन बारह एक तेरह निकला है, तो देखिए चार यहाँ पे गया, तो चार और तेरह, तेरह कहाँ पे, y पे, तो मान लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक जा रहा तेरह, एक दो तीन चार पाँच तेरह तक जा रहा, ठीक है, डायग्राम हमें बनाना है तो इसलिए हम अपने हिसाब से इसको खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आओ, x बराबर चार उसमें रखा था तो वो निकल के आया, अब क्या x बराबर चार इसमें भी तो रखेंगे, रखो x बराबर चार इस वाले में, तो y बराबर दो इंटू एक्स, एक्स बराबर चार इसमें रखो, दो इंटू चार प्लस वन, तो y बराबर चार दुनी आठ एक नौ नहीं निकल आएगा, बोलो चार दुनी आठ एक नौ निकल आया, क्या नौ जो निकल के आएगा किस y एक्सिस पे, ये तेरह है हो सकता, नौ यहाँ पे आ सकता है, बोलो पहले तेरह आया, मान लेते हैं कि नौ यहाँ पे हो सकता है, आ जाए नौ, हो क्या, आ ही जाएगा, नौ के बाद तेरह ही आएगा ना, क्योंकि डायग्राम आप देखिए स्केल लेकर बैठे होगा, आप खींचोगे तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा, यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये बात। अब देखो यहाँ पे जो उसने कहा x बराबर चार रखा, अब जो ओरिजिन इसका निकालोगे, x और y के और भी मान तो निकल के आएंगे, यहाँ पे x और y के और भी मान निकल के आएंगे, कैसे, यहाँ पे अगर x बराबर चार रखा था, अब क्या करो, मान लेते हैं x बराबर यहाँ पे देखो जो ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो होता है, इसको मान लेते हैं किस एक्सिस पे, सॉरी ये x है, ये y डैश है, y x डैश, ठीक है, x डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करें, जल्दी से देखें, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या फंडा अपनाते हैं, देखिए इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई फंडा हमें मिलेगा। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन वन बनाते हैं, इसको इक्वेशन टू बना लेते हैं। अब इनको इक्वेशन वन एंड टू को जब बराबर करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, समीकरण एक व दो को बराबर करो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन इज इक्वल टू टू, समीकरण एक व दो को जब बराबर करोगे, वाई वाई कैंसिल, कितना आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन बराबर टू एक्स प्लस वन, देखिए वन से वन भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, तो थ्री एक्स माइनस का टू एक्स बराबर जीरो, तीन में से दो घटाओगे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो, देखिए एक्स बराबर जीरो निकल के आ गया, आ गया ना, तो x बराबर जीरो कहाँ, देखिए अभी हम बताते हैं कहाँ पे x बराबर जीरो जाएगा, ठीक है, अभी बात की बात, अब x बराबर जीरो जो निकला है, अब x बराबर जीरो निकला है, तो x बराबर जीरो इक्वेशन वन में रख दीजिए, यहाँ पे लिखिए पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या दे रखा है, y का मान निकल आएगा टू एक्स प्लस वन, देखिए दे रखा है, तो y बराबर टू इंटू जीरो प्लस वन, क्या y बराबर वन नहीं निकल के आ गया, बोलो y बराबर कितना निकल के आ गया, 1 आ गया, तो x कॉमा y, तो देखिए y 1 निकला है, तो सपोज दैट यहाँ तक जाएगा 1, मान लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 1 जा रहा है, बस हम नहीं यहाँ पे 1, तो 0 कॉमा 1, क्योंकि x का मान 0 निकला है, देखें x का मान ये क्या है 0, y का कितना निकाला हम लोगों ने 1 निकाला है, तो 0 कॉमा 1, तो x 0 है यहाँ पे, है ना, देखिए x 0 से जा रहा है, तो 0 कॉमा 1, अब देखिए 0 से जा रहा है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे है 13 पे मिलाना है, किस पे 13 पे, तो मान लेते हैं 13 यहाँ तक जाएगा, ठीक, किस पे मिलाना है, चार पे मिलाना है, मान लेते हैं चार यहाँ तक गया, अब क्या करेंगे, डायग्राम मिला देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगुलर बन जाएगा, क्या है यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, इसका पॉइंट क्या कर लेते हैं, बोलो ए, ये बी और ये सी, इसके पॉइंट जो निकले हैं चार कॉमा तेरह, एक्स चार है, वाई कितना है, तेरह निकाला था, देखिए यूज हो रहा है, फोर कॉमा थर्टीन आ गया, सी का निकाल लो, सी मतलब चार दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, चार, तो x दे रखा है चार, y यहाँ पे नौ पे निकाला था, यहाँ पे नौ है ना, ये मान लेते हैं नौ है, ये तेरह, बोलो चार है x, y है तेरह, यहाँ पे नौ है y, सॉरी चार है x, y कितना है नौ, आ रहा है इसके सामने, बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं है, क्लियर है, यहाँ पे देखिए बना लीजिएगा अपने हिसाब से, चार कॉमन हो यहाँ पे नौ मानने के लिए ले आइए, ठीक है, अपने हिसाब से डायग्राम, तो इस वाले शेडेड रीजन का हमें क्या बताना है, एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं, इतना क्लियर है, तो इतना समझ में आया गया, तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
तो चलिए अब निकाल देते हैं। अब आपका क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो हमने पॉइंट माने हैं, देखिए किसका निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे डेड डेस यहाँ पे चार तक ले आएंगे, यही तो सेड डीजर माइनस करना है हमको, इसका निकालना है, तो ये माइनस होगा पूरा, है ना। तो पहले निकालो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है किसका है बोलो, ध्यान से देखिएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है किसका, ओ एल, यहाँ पे एल मान लेते हैं इसको, ओ एल बी ओ ए, नहीं समझ में आया, ओ एल बी ओ ए, तो यहाँ पे निकालिए ओ एल बी ओ ए, तो यहाँ पे निकालिए ओ एल बी ए ओ, ओ एल बी ओ ए, माइनस कौन सा करेंगे, ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला सेड रीजन, सिंपल वाला है ना, सेड रीजन का निकालना है तो माइनस ही तो करोगे यहाँ पे, ओ एल सी ए ओ, बोलो सी ए ओ, यहाँ पे माइनस करिए, एरिया किसका, ओ एल, ओ एल सी ओ सी ए ओ, बोलो बात समझ नहीं, सी ए ओ, ओ एल सी ए ओ, क्लियर है ये, फिर तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे लगाइए एरिया। लिमिट कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट पहले लोअर लिमिट कितना है, जीरो से लेकर फोर, जीरो से लेकर फोर, क्यों, देखिए जीरो से फोर एक्स एक्सिस पे जा रहा है, जीरो से फोर, बोलो लिमिट, देखिए जीरो से फोर, फिर जीरो से फोर, जीरो से फोर, जीरो से फोर जा रही लिमिट, इसके लिए भी जीरो से लेकर फोर लिमिट जा रही, इसके लिए भी जीरो से लेकर फोर जा रही, तो लिमिट लिखिए जीरो से लेकर फोर वाई डी एक्स, क्या होता है, वाई डी एक्स फॉर्मूला होता है ना, बोलो वाई डी एक्स फॉर्मूला होता है, तो वाई की जगह पे क्या, पहला इक्वेशन बोलो क्या रखें, थ्री एक्स प्लस वन, किसके लिए है बोलो, ये पूरे वाले के लिए, कौन, थ्री एक्स प्लस वन इस सेडेड रीजन के लिए, तो यहाँ पे रखिए वाई टू, पहले वाई टू कर लेते हैं जब आपको समझ में आ जाएगा, जीरो से लेकर फोर, यहाँ पे क्या किया वाई वन डी एक्स, बोलो क्लियर है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करके निकल के आएगा हमारे पास, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, y1 का वैल्यू क्या रख दें, इधर देखो y1 क्या रख दें हम लोग, यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं तब आपके सामने आएगा, ये इसको इसके नीचे ऐसे, देखिए y1 क्या निकल के आता है, इधर देखिए यहाँ पे बराबर लगाया, यहाँ पे एक सेकंड आप लोग थोड़ा होल्ड करिएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए y1 कितना है, इसको इसको y1 कर लिया, या इसको y1 कर लो, इसको y2 कर लो, ठीक, इसको y1 किया, इसको y2 कर लिया, देखिए y1 क्योंकि 3x plus 1 है ना, बड़ा वैल्यू पहले रखोगे बाद में छोटा वैल्यू, तो 3x plus 1 पहले छोटा, बाद में 2x plus 1 छोटा बाद में रखेंगे, तो पहले बड़ा 3x plus 1, इसको y1 कर लिया, इसको y2 कर लिया, तो यहाँ पे रखिए 0 से 4 3x plus 1 पहले बड़ा रखा, माइनस 0 से 4 यहाँ पे 2x plus 1 2x plus 1 और ये dx, बात समझ में आ गई, यहाँ पे माइनस समझ में आया कैसे निकाला, क्योंकि माइनस हम यहाँ पे क्यों, इस ट्राइंगल का बताना है सेड रीजन का, और ये इस वाला देखिए सिंपल है, तो इसको माइनस करेंगे, ये निकालेंगे तो तब ये, तभी तो इसको माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगा उसका, ठीक। अब यहाँ पे देखो जीरो सुपर, इसका इंटीग्रेशन करा दो, जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो 3 इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, क्यों 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, x पावर n प्लस 1, और 1 का क्या हो जाएगा x, 0 से 4, यहाँ पर भी इसका कराइए 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या हो जाएगा x, 0 से 4, आगे सॉल्व करो इसको, सॉल्व करें लिमिट, अपर लिमिट पहले अप्लाई करो, 3 यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे 4, बात समझ में, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, 0 0 करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, देखिए जब यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, माइनस इस वाले फंक्शन में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दो, देखिए दो से दो कैंसिल भी हो जाएगा, तो चार का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, चार का स्क्वायर प्लस चार पहला हो गया, बोलो माइनस जीरो करोगे तो सब में क्या हो जाएगा, जीरो, इसको मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, चार चौके सोलह, सोलह तीन कितना हो गया अड़तालीस, अड़तालीस बटे कितना है दो, प्लस कितना आ गया चार, एक हो गया ये तो जीरो हो गया, मतलब नहीं, चार चौके सोलह, सोलह चार कितना हो जाएगा बीस, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दो दुना दो चौके 24, और 4 कितना हो जाएगा 28, माइनस 16 4 कितना हो जाएगा 20, 16 4 कितना हो गया 20, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब 28 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, इसका मात्रक जो होता है यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो देखिए यही 8 आपका क्या निकल के आ रहा, आंसर आ गया, क्या निकल के आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, जो हमें शेडेड रीजन का वैल्यू निकालना था, एरिया निकालना था। तो बात समझ में आई शेडेड रीजन का जो एरिया निकाला। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।